हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ड्राइंग विद श्रुति ओलन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो पिछली वीडियोज में हमने ड्राइंग के दो एलिमेंट्स देखे, लाइनें देखी और सेकेंड नंबर पर शेप्स देखी। अब हम आगे जो क्लासेस चलाएंगे वो बेसिक इन्हीं चीज़ों को लेके कुछ छोटी छोटी चीज़ें ड्रा करना सीखेंगे, क्योंकि बिगनर्स का चल रहा है, बेसिक्स से हम ले रहे हैं। तो बेसिक्स में हम शुरुआत इजी चीज़ों को लेके ड्रा करना सीखेंगे, और फिर हम थोड़ी हैवी चीज़ जो थोड़ी कठिन है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्रूट्स बनाना सीखेंगे। और फ्रूट्स में हम सबसे पहले लेंगे फलों का राजा, यानी कि आम को। आम तो सभी को बहुत पसंद है, मैं समझती हूँ कोई होगा जिसे मैंगो पसंद नहीं होगा। तो आज तक हमने मैंगो खाया है, आज हम ड्रा करके भी देखेंगे। और एग्जाम्स में भी आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे हैं या 10th और 12th के भी हैं, 9th 10th के बच्चों के, वहाँ पे उन्हें भी मैंगो ड्रा करने के लिए आता है। मुझे याद है जब मैं 8th 9th में पढ़ती थी, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो जब मैंगो ड्रा का आता था या तो वो काफ़ी परेशान होते थे, या तो किसी सिस्टर से अपनी बनवा के लाते थे, स्पेशली बॉयज़, क्योंकि गर्ल्स की ड्राइंग फिर भी कुछ बेटर होती है, कुछ ही होंगी जिनकी नहीं अच्छी है, लेकिन बॉयज़ को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अपनी उसी पिछली मेमोरीज को याद कीजिए और आइए सीखते हैं और ड्रा कीजिए। अगर आप आज भी अगर बड़े भी हो चुके हैं तो मैंगो ड्रा करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और शेयर भी कीजिए मेरे ईमेल एड्रेस पे जो आप ड्रा कर रहे हैं, उसको शेयर भी कीजिए, अपने फेसबुक पर भी शेयर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं वीडियो में आगे, मैंगो ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट लेंगे स्केल के थ्रू, मेजरमेंट जो आप चेंज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का लिया है, लाइन खींची सबसे पहले। और अब हम इसमें सर्कल बनाएंगे, यानी कि इसमें सर्कल का यूज़ होगा, कि ऊपर से आपने देखा होगा मैंगो राउंड होता है, ऊपर से गोल होता है। तो सबसे पहले हम इसमें एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल दो बनेंगे, ऊपर का एक ऊपर बनेगा और एक नीचे। तो ऊपर का सर्कल थोड़ा बड़ा रहेगा और जो हम नीचे बनाएंगे सर्कल वो उसका थोड़ा छोटा रहेगा। ये अपने आइडिया से हमें बनाना है, और इसको बहुत ही लाइट हैंड से आप बनाएं, क्योंकि ये हमें बाद में रब भी करना है। अब हम दोनों सर्कल्स को यहाँ से जॉइंट कर देंगे हल्का सा कर्व देके, और इधर से भी इन दोनों सर्कल्स को हम जोड़ देंगे, जॉइंट करेंगे। और यहाँ जैसे ए होता है, ए फॉर एप्पल आपने ये बनाया होगा अल्फ़ाबेट्स, उसकी तरीके से शेप हल्की सी लाके नीचे से भी इसको जॉइंट कर देंगे। तो देखा आपने कितनी जल्दी ड्रा हुआ, एग्ज़ाम में टाइम कम होता है हमारे पास और फटाफट आपको ड्रा करना है, तो आराम से दोनों सर्कल खींचें। बस ध्यान ये रहे कि ऊपर का सर्कल बड़ा और नीचे का छोटा होता है होगा, क्योंकि नीचे से जो मैंगो होते हैं उसकी शेप थोड़ी पतली होती है और ऊपर से ये राउंड शेप में होता है। तो हमने सर्कल के थ्रू, यानी कि सर्कल जो हमने शेप्स पढ़ी थी उसके थ्रू हमने मैंगो ड्रा किया। अब इसको हम थोड़ा फाइनल टच दे देंगे, मैंगो की शेप माइंड में हल्के से ध्यान रखें, उसको इस तरीके से यहाँ से गोल अब हम यहाँ इसकी डंडी बनाएंगे। मैंगो की डंडी पतली होती है, मैंगो का पेड़ तो आम का पेड़ तो ज़्यादातर अधिकतर ने देखा ही है, इसकी पत्तियाँ पूजा में भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसकी लीव्स भी हमने देखी हैं। अब हम इसके लीव ड्रा करेंगे, पत्तियाँ, इसकी पत्ती सीधी नहीं होती हैं,
घुमावदार लहर लेती हुई होती हैं, इस तरीके से हल्का सा घुमावदार लिए हुए। इधर भी पत्ती इसकी ड्रा कर लेते हैं। दोनों पत्तियों को इक्वली ड्रा करने की कोशिश करें कि बराबर बराबर शेप्स उसमें आए, तो वो अच्छा लगता है चित्र। तो देखा आपने कितनी जल्दी ड्रा हुआ, बिल्कुल भी टफ नहीं लग रहा होगा। आपकी मैंगो ड्रा करना बड़ा हार्ड है, तभी तो मैं कहती हूँ कि ड्राइंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप उसको ट्रिक से और कुछ प्रैक्टिस करें तो काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं जल्दी। तो ये मैंगो का हमारा चित्र बन गया। अब एक चीज़ और, कभी कभी हमें पूछा जाता है कि आता है कि दो मैंगो यानी कि आम का जोड़ा बनाएं, तो उसमें करना कुछ नहीं है, बस जो ये लीव्स मैंने बनाई है मैं इसको हटा के आपको बता देती हूँ कि जब दो मैंगो हमें जॉइंट बनाने हों तो उसमें भी हमें सेम यही करना है, बल्कि मैं फ्री हैंड ही आपको दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे तो मैं बना लेती हूँ इस चीज़ को। बस इसको ऐसे यहाँ से कर्व लाइन जैसे ये चीज़ ली है हमने, यहाँ से लाएंगे और क्योंकि पीछे की साइड में रखा हुआ दिखाया है हमने, तो अगला वाला मैंगो दिखेगा और पीछे का थोड़ा दब जाएगा। अब इसको हम यहाँ से थोड़ी यहाँ तक बड़ा कर लेंगे। और इसकी यहाँ लीव्स दिखा देंगे जो हम जी लीव्स हम इसके ऊपर दिखा रहे हैं, तो पीछे वाली जो शेप है मैंगो की उसको रब कर देंगे। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है ड्राइंग में, नहीं तो नंबर मार्क्स कट जाते हैं या वो अच्छा नहीं लगता है। अब एक लीव्स हम इधर भी बना देते हैं इसकी। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने मैंगो ड्रा किया। अब अगर हम इसमें शेडिंग करना चाहें, क्योंकि शेडिंग में बाद में आपको सिखाऊंगी क्योंकि शेडिंग के पार्ट अलग है, उसमें अलग चीज़ें थोड़ी ट्रिक करके सिखाई जाती हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये हमारा मैंगो का आम का जोड़ा तैयार है। और अगर हम अब इसमें शेडिंग करते हैं, तो शेडिंग के बाद
ये क्योंकि मैंने एक पिक्चर ड्रा करके रख रखी है शेडिंग की पहले ही, वो कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। तो ये था आज हमका हमारा वीडियो मैंगो के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो का मैं आपको हिंट दे जाती हूँ कि नेक्स्ट जो हम फ्रूट ड्रा करेंगे वो काफ़ी हेल्दी है, डॉक्टर्स उसे खाने के लिए बताते हैं, और वो रेड कलर का है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, गेस करें कि कौन सा होगा, और जब तक इसको मैंगो को ड्रा करके ज़रूर देखें, सीखें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट में ज़रूरी है। ड्राइंग्स में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कलरिंग वगैरह है ये, जब जितना आप ड्रा करेंगे उतनी आपका आपकी आर्ट निखरेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर मुझे अप्रिशिएट करता है, तो प्लीज़ थैंक यू देखने के लिए वीडियो, थैंक यू वेरी मच।